हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, देखते हैं इंट्राडे में हम मंडे को कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक क्या है। दोस्तों, आज मैं जो आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करने वाली हूँ उसमें मैं आपको बाइंग पॉइंट बताऊंगी और साथ में उस स्टॉक में स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहने वाले हैं इंट्राडे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो शेयर करती हूँ आपको सही समय पर मिले और आप उनका पूरा फायदा उठा सकें। इंट्राडे के लिए हमारा पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक में आप देख रहे हैं HDFC बैंक का जो स्टॉक है इस ट्रेंड लाइन पर कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है और आप देखते हैं यहाँ पे ये मल्टी टाइम सपोर्ट ले चुका है। ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे इसने सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया है और इसने यहाँ पे थर्ड टाइम और यहाँ पे इसने क्लोजिंग टाइम पे जो 315 की कैंडल होती है 15 मिनट की, उसके बाद जो इसने सपोर्ट लिया है क्लोजिंग टाइम पे जो सपोर्ट लिया है इसने वॉल्यूम के साथ में लिया है। आप देख रहे हैं जो कैंडल थी 330 वाली, उसने लास्ट कैंडल में काफी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो मंडे को अगर आपको ये जो लास्ट कैंडल है 15 मिनट की अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको मिलती है तो आप HDFC बैंक को इमिडिएटली बाई कर सकते हैं। आपका जो बाइंग लेवल रहेगा वो है 1609 और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 1605 और जो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1615 और आपका सेकेंड टारगेट रहेगा 1620। इन केस अगर आपको ये जो सपोर्ट है HDFC बैंक का ट्रेंड लाइन का ये जो सपोर्ट बना हुआ है HDFC बैंक में अगर आपको ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखाई देता है तो आप HDFC बैंक को सेल साइड के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपको इस सपोर्ट के नीचे आपको एक 5 मिनट की बेयरिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दे तो आप इसको सेल कर सकते हैं 1600 के नीचे और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेल साइड के लिए वो है 1605 और जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे सेल साइड के लिए वह है 1590 और 1585। तो फ्रेंड्स, आप सभी लेवल नोट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंट्राडे के लिए टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में फ्रेंड अभी एक जो पैटर्न बन रहा है इसमें अभी कंटिन्यू रेंज में बना हुआ है और ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। जो टेक महिंद्रा में ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसका ये सपोर्ट ले रहा है। तो फ्रेंड अगर ये जो इसका रेजिस्टेंस है टेक महिंद्रा का, अगर ये मंडे को रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दे तो आप टेक महिंद्रा को बाई कर सकते हैं 1441 के ऊपर और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 1435 और जो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में आपका फर्स्ट टारगेट है 1445 और आपका सेकेंड टारगेट है टेक महिंद्रा में 1448। तो आप लेवल्स नोट करिएगा टेक महिंद्रा के। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा L&T। L&T में ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते हुए दिखाई देता है आपको इंट्राडे में और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दे तो आप L&T को बाई कर सकते हैं। आपका बाइंग जो लेवल रहेगा वो है 1731 और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें वो है 1729 और जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका L&T में 1735 और आपका सेकंड टारगेट रहेगा 1740। आप देख रहे हैं L&T में वॉल्यूम लास्ट मोमेंट पे राइज हुआ है और अगर मंडे को आपको वॉल्यूम इसमें राइज होता हुआ दिखाई देता है तो इसमें अच्छे आपको मूव देखने को मिलेंगे इंट्राडे में। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंट्राडे के लिए टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में आप देख रहे हैं ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है और ये काफी टाइम से रेंज में बना हुआ है स्टॉक। तो अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है आपको अपसाइड या डाउनसाइड तो इसमें आपको इंट्राडे में काफी अच्छे अप मूव देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, ये जो सपोर्ट है आपका टाटा कंज्यूमर में अगर आपको ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखाई दे मॉर्निंग में तो आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको इस सपोर्ट के नीचे एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दे वॉल्यूम के साथ में तो आप इसको सेल कर सकते हैं 814.50 के नीचे
और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेल साइड के लिए वो है 8/8, और जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे इंट्राडे में सेल साइड के लिए 8/09 और 8/07। इन केस अगर आपको इंट्राडे में ये जो रेजिस्टेंस है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखाई देता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एक 5 मिनट की ब्लिस कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका जो बाइंग लेवल रहेगा इंट्राडे में वो है 823, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 820, और जो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में अपसाइड वो है 828 और 832। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर ये जिस साइड ब्रेक करता है और ब्रेक होने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल अपसाइड या डाउनसाइड क्लोज करते हैं तो आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंट्राडे के लिए भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये जो एरिया है भारती एयरटेल के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। आप देख रहे हैं ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है काफी टाइम से, ये इसी एरिया में आके बाउंस बैक हो रही है भारती एयरटेल, और ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से ये रिवर्स हो रही है। आप देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए भारती एयरटेल ने मल्टी टाइम अटेम्प्ट किया है लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मंडे को आपको ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखाई देता है और ये जो रेजिस्टेंस है भारती एयरटेल का ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एक बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दे तो आप भारती एयरटेल को इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। आपका बाइंग जो लेवल है वो है 697, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग साइड के लिए वो है 694, और जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा भारती एयरटेल में 700, और आपका सेकंड टारगेट रहेगा 702। फिर अगर आपको इनकेस ये जो सपोर्ट है भारती एयरटेल का जिसपे ये मल्टी टाइम सपोर्ट लेता है, सपोर्ट ले चुका है, और आपको ये सपोर्ट ब्रेक होते दिखाई दे और इस सपोर्ट के नीचे आपको एक बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखती है 5 मिनट की, तो आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। 688 के नीचे आप इसको सेल करिएगा, और जो आपका सेल साइड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो है 691, और जो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं सेल साइड के लिए 685 और 683। तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक पर नजर बना के रखिएगा, ये जिस साइड भी ब्रेक होता है आप उस साइड में पोजीशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको जैसे कि ग्लोबल सिनेरियो के कारण मार्केट अफेक्टेड होती है, कभी गैप अप और गैप डाउन खुल जाती है और आपको इस केस में कोई भी एंट्री नहीं मिलती है, जो मैं लेवल प्रोवाइड करती हूँ उन लेवल्स पे आपको एंट्री नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स प्रोवाइड करती हूँ स्टॉक्स से रिलेटेड, निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड। तो फ्रेंड आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप उसमें अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, वहाँ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेरी कोई भी क्वेरी होती है आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, भेज दीजिएगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा मैसेज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इंट्राडे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। गुड डे, गुड ट्रेडिंग।